आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय चैनल जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। जिला मछुआरा समिति के द्वारा तालाब जलाशय मछली आवंटन एवं केसीसी लोन उपलब्ध कराने को लेकर कलेक्टर को दिया ज्ञापन। जांजगीर चांपा जिले के सभी पंजीकृत मछुआ समिति के लोग आज कलेक्टर ऑफिस पहुंचे हुए हैं और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला को ज्ञापन सौंपा गया है। मछुआ समिति के लोगों का कहना है कि जांजगीर चांपा जिले भर में सभी ग्राम पंचायत में सरपंचों की मनमानी चल रही है। ग्राम पंचायत के तालाबों को मछली पालन के लिए नहीं दिया जा रहा है। अधिकतर ग्राम पंचायत स्वयं मछली पालन कर रहे हैं या फिर किसी निजी व्यक्ति को नीलाम कर रहे हैं और ठेका दिया जा रहा है, जिसे स्वयं लाखों रुपए कमा रहे हैं। इस संबंध में मछुआरा समिति के द्वारा बार बार ज्ञापन दिए गए हैं, लेकिन आज तक समिति की नहीं सुनी जा रही है। कलेक्टर को बार बार अवगत कराया गया है और उच्च अधिकारी को भी, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हो पा रही है। छत्तीसगढ़ मछली पालन नीति के तहत अगर ग्राम पंचायत 6 माह के अंदर में तालाब आवंटन नहीं करता है तो नियम है कि कलेक्टर 6 महीने के बाद तालाब आवंटन कर सकता है। शासन स्तर से कलेक्टर के द्वारा तालाब का आवंटन पट्टा किया जा सकता है। सभी मछुआ समिति के द्वारा उनकी मांग यह है कि पंजीकृत मछुआ सरकारी समितियों को तालाब आवंटित किया जाए। जो ग्राम पंचायत तालाब का आवंटन नहीं कर रहे हैं उसको शासन स्तर से मछुआ समितियों को आवंटन किया जाए। यहाँ की पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति को केसीसी लोन बैंक के द्वारा दिया जाए और बैंक द्वारा लगातार गोलमाल कर जवाब देकर घुमाया जा रहे हैं, जिससे खेती और जमीन केसीसी लोन नहीं दिया जाता। मछली पालन के लिए केसीसी लोन प्रावधान नहीं है, जिसे दिया जाए। मछली पालन नीति नियम के अनुसार तालाब जलाशय को मछली पालन देने का अधिकार ग्राम पंचायत नियम के संशोधन जनपद पंचायत मछली विज्ञापन अधीन दिया जाए। 10 दिवस के भीतर अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो सभी पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति सदस्य अपने परिवार के सदस्य के साथ भूख हड़ताल एवं धरना प्रदर्शन करेंगे। उसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। छत्तीसगढ़ जानकी नौगर राजा भाटे से बालेश्वर कश्यप की रिपोर्ट। मेरा नाम कमलेश कुमार टंडन है और यहाँ जिला भर में सभी पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति के सभी अध्यक्ष पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं। यहाँ जिला भर में सरपंचों का मनमानी चल रहा है। ग्राम पंचायत के तालाबों को मछली पालन के लिए नहीं दिया जा रहा है। अधिकतर ग्राम पंचायत अपने स्वयं मछली पालन कर रहे हैं या फिर किसी निजी व्यक्ति को नीलाम कर ठेका दिया जा रहा है और स्वयं लाखों रुपए का लाभ कमा रहे हैं। इसके संबंध में कलेक्टर महोदय को बार बार ज्ञापन दिए हैं, उच्च अधिकारियों को इसके बारे में अवगत कराया गया है, लेकिन उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मछली पालन छत्तीसगढ़ मछली पालन नीति नियम के तहत में अगर ग्राम पंचायत 6 माह के अंदर में तालाब आवंटन नहीं करता है तो नियम है कि 6 माह के बाद कलेक्टर महोदय का अधिकार रहता है वो तालाब आवंटन करने का, डायरेक्टर शासन स्तर से पट्टा आवंटन करने के लिए। उसका ये मछली पालन का नीति नियम है ये। आगे बताइए ना, क्या मांग लेकर आप लोग यहाँ आए हैं, क्या चाहते हैं? हम ये चाह रहे हैं ग्राम पंचायत के जितने भी तालाब हैं पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों को सबसे पहले प्राथमिकता क्रमानुसार उनको आवंटन होना है, उसका पालन हो। जो ग्राम पंचायत तालाब आवंटन नहीं कर रहे हैं उसको डायरेक्ट शासन स्तर से यहाँ आवंटन हो। मछली पालन के लिए आवंटन नहीं हो रहा है पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों को, तो समिति के जो सदस्य हैं और दूसरे राज्य में जाके पलायन कर रहे हैं, रोजी मजदूरी कर रहे हैं। इस बारे में कलेक्टर महोदय को भी बार बार ज्ञापन दे चुके हैं हम लोग, उसका आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। काफी लंबे समय से आप लोग मांग कर रहे हैं, मांग आप लोग की पूरा नहीं होती तो आगे क्या रणनीति? आगे कार्रवाई अपन 10 दिन के अंदर अगर आवंटन नहीं होता है तो अपन यहाँ भूख हड़ताल पर बैठेंगे और सभी पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति जिनको तालाब आवंटन नहीं हुआ है और सीधा सीधा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर हाईकोर्ट में अपन रिट पिटीशन दायर करेंगे। बोलो, मैं अजीत सिंह राठौर ग्राम पंचायत अफरीद से अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। सभी ग्राम पंचायत और नगर पंचायतों में यही समस्या है कि ग्राम पंचायत और नगर पंचायत के जो तालाब हैं उनको शासकीय नियमों के अनुसार आवंटित नहीं किया जा रहा है, इसलिए हम लोग सब यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। कई बार हम लोग जितने अधिकारीगण हैं उनको भी अवगत करा चुके हैं इस मामले से, लेकिन वो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए हम लोग माननीय भूपेश बघेल जी को भी ज्ञापन देने की तैयारी में हैं। अगली बार हम लोग उनके नाम से भी
क्या ये यहाँ पे ज्ञापन देने उपस्थित होंगे। ग्राम पंचायत पोता से विकास खंड मालखरौदा से आया हूँ, महामाया मच्छर सहकारी समिति से। और समस्या हम लोग के यही है कि ग्राम पंचायत पोता में इतना तालाब रहते हुए भी, मतलब बहुत ज़्यादा तालाब है वहाँ पे, सरपंच जो है हमको खाली दो ही तालाब के लिए आवंटन कर रहा है, वो बाकी तालाब अपना खुद रखे हैं। तो आपको यही है कि हमको तालाब मिल जाए, हमारा जितना अधिकार है वो मिलना चाहिए बोल के कलेक्टर महोदय के पास सवाल लगाने के लिए भी आए हैं। क्या नाम है? भूषण लाल निषाद।